फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि निगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कैसे चेंज किया जाए, आपके अंदर जो नकारात्मक शक्ति है उसको हम सकारात्मक शक्ति में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, आपके अंदर आपके माइंड में जो निगेटिव थिंकिंग चल रही है उसको हम पॉजिटिविटी में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जानने की कोशिश करनी पड़ेगी कि आपके अंदर जो निगेटिविटी थॉट्स है, जो गलत तरीके से जो आपके विचार है, जो नकारात्मक शक्ति आपको अपनी तरफ खींच रही है, जो आपके दिमाग में नकारात्मक शक्ति है उन्हें अपने आपको वश में कर लिया है, उसके मेन रीजंस क्या है। तो नकारात्मक शक्ति यानी जो निगेटिव थॉट्स होते हैं, जो निगेटिव थिंकिंग्स होती है, उसके आने के सबसे मेन तीन रीजंस होते हैं। पहले रीजन की मैं बात करूंगा। सबसे पहली रीजन होती है कि पास्ट में आपने जो गलतियां की होती है, पास्ट में आपसे जो गलतियां हो चुकी होती है, आप उन चीज़ों को हमेशा रिमेंबर करते, याद कर करके उनके उस चीज़ के बारे में आज का वर्तमान ख़राब कर लेते हो। ठीक है, आपसे हमेशा इंसान हमेशा गलतियां करता ही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलतियों के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश करे। तो जब आप अपनी पास्ट में जो गलतियाँ आपने कर दी होती है जिससे आपकी ज़िंदगी पर कुछ हद तक फ़र्क पड़ सकता है, तो उन सारी गलतियों को जब आप बार बार याद करते हो और बार बार उन गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश करते हो, तब आपकी जो वर्तमान स्थिति है वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो जाती है। तो सबसे पहली चीज़, आपकी जो भूतकाल में हुई गलतियाँ होती है, सबसे पहले आपको उन सारी चीज़ों को किसी ना किसी तरीके से भूलना पड़ेगा, क्योंकि अगर गलतियों का बार बार रिवाइज करने की कोशिश करोगे, गलतियों का बार बार याद करने की कोशिश करोगे, तो उससे आपका वर्तमान हमेशा खराब होने की कगार पर पहुंच जाता है। और जिसका वर्तमान खराब हो जाता है वो हमेशा भविष्य के बारे में चिंता करते रहता है कि अगर फ्यूचर में मुझे इस सिचुएशन का सामना करना पड़ा तो मेरा फ्यूचर किस तरीके से होगा। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपने पास्ट में कोई गलतियाँ की तो सबसे पहली चीज़ आपको उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि उस पर पर्दा डालने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वर्तमान में हमारी ज़िंदगी ना जीना। ठीक है, जैसा कि आपका जैसे हम लोग एक एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, लॉकडाउन शुरू होने के पहले हम जिस ज़िंदगी से जी रहे थे वो हमारी पास्ट की ज़िंदगी थे। अब हम जो लॉकडाउन में ज़िंदगी जी रहे हैं वो लॉकडाउन की स्थिति है, और लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद हम फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। तो आज लॉकडाउन में हम जो है हम उसके बारे में सोच ही नहीं रहे। हम लोग ये सोच रहे हैं कि हम जब काम करते थे हमारे पास हमारा दिन का शेड्यूल ऐसा फिक्स होता था, लेकिन वॉट अबाउट आर फ्यूचर। आज हमारे पास ज़िंदगी जीने का बहुत अच्छा तरीका है, हमेशा जो चीज़ें हम ज़िंदगी में हमेशा करना चाहते थे वो करने का हमारे पास मौका है। हम एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी कर सकते हैं, हम अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अपने बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अपने भाई बहनों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी पुरानी गलतियों को वापस दोहराने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आज हम लोग पबजी में लगे पड़े हैं, गेम में लगे पड़े हैं, वेब सीरीज नेटफ्लिक्स वगैरह के वेब सीरीज देखने में लगे पड़े हैं, हम दिन भर वही काम कर रहे हैं, डे टू डे एक्टिविटी। मैं ये नहीं कहता कि आप ये सारी चीज़ें ना करें, लेकिन इसका एक टाइम स्टिपुलेट होना चाहिए, क्योंकि हमारी फैमिली प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जब आप बीमार हो गए तो फैमिली ही आपका सपोर्ट देने के लिए आने वाली, वेब सीरीज नहीं आने वाली। जब आप बीमार हो गए तो वहां पर पबजी का कोई प्लेयर वहां पर आपकी मदद करने आने वाला नहीं है। तो इसका मतलब क्या, आप अभी वर्तमान में जिए। आपने जो पास्ट में आपने लॉकडाउन शुरू होने के पहले जो काम किए थे वो सारी चीजें आपकी जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लेकिन आज जिंदगी जीने के लिए फैमिली अगर आपके साथ है तो वो चीज। दूसरा, आप अपने आप को खुद प्रायोरिटी दीजिए कि अगर आपने आज तक फिजिक्स के बारे में नहीं सोचा, अपनी फिजिकल बॉडी के बारे में सोचा, तो आपके पास एक अच्छा टाइम आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आप कोई चीज़ इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्सेज में जाना चाहते हैं, या आप C++ या किसी भी तरीके की कंप्यूटर लैंग्वेज सीखना चाहते हो, तो यूट्यूब ऐसा जरिया जहाँ पर आपको हर चीज़ देखने के लिए मिल सकती है, या और भी किसी वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन फ्री कोर्सेज सीख सकते हो, तो ये आपके पास बहुत अच्छा मौका है। आप नेट सेट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो नेट सेट की प्रिपरेशन करने का बहुत अच्छा तरीका है। अगर आप स्टडी में अपना फोकस इंक्रीज करना चाहते हो, आने वाले टाइम में एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आप ऑनलाइन अपनी स्टडी स्टार्ट कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा टाइम है जहाँ पर आपको किसी भी तरीके का प्रेशर नहीं है। तो हमेशा निगेटिव थॉट्स कब आते हैं, जब आप पास्ट के बारे में ज़्यादा सोचते हो, फ्यूचर के बारे में देखकर डरते हो, लेकिन आपको हमेशा अपने प्रेजेंट में रहना है, तो आपके मन में जो निगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फ्यूचर के बारे में देखकर डरना। क्यों? जब हम पास्ट में कोई गलतियां कर लेते हैं, वो गलतियों पर हम पर्दा डालने की कोशिश करते हो, तो आज हमारा वर्तमान हम बिगाड़ते हैं। जब हम वर्तमान में कोई काम नहीं करते, जब हमारी प्रोडक्टिविटी जीरो लेवल पे होती है, तब हम क्या करते हैं, फ्यूचर के बारे में हमेशा निगेटिव ही सोचते हैं। अब जैसा कि बहुत सारे बच्चों के मन में अभी भी डाउट है कि सर लॉकडाउन ओपन होने के बाद स्टडी का लोड बढ़ जाएगा, ठीक है, हमारे पास का टाइम ड्यूरेशन कम होगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना पड़ेगा हमें हमेशा, तो ये सारी चीज़ें आपको देख देख कर डरा रही है। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया है, आपने
पास्ट के बारे में सोचा है, प्रेजेंट के ऊपर आपने प्रॉपर तरीके से काम नहीं किया है, और जो इम्प्लीमेंटेशन जो गाइडलाइंस दी जा रही है उसको आप फॉलो नहीं करोगे तो आप फ्यूचर को देख देख के डर रहे हो। तो आपको क्या करना है, फॉरगेट अबाउट योर पास्ट, लिव इन प्रेजेंट एंड थिंक अबाउट फ्यूचर। क्या कहा मैंने, फॉरगेट अबाउट पास्ट, पास्ट में जो हुआ उसको भूल जाइए, वो अपने जो किया अच्छा किया बुरा किया उसको भूल जाइए, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी को आज की वर्तमान ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करने वाला है, ताकि आपका फ्यूचर, अगर आपकी ज़िंदगी को आज अफेक्ट करेगा तो फ्यूचर हमेशा ड्रास्टिक चेंजेस के साथ ही होने वाला है। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप जो भी थिंकिंग लेवल रखोगे वो हमेशा पॉजिटिविटी, क्योंकि याद रखो कभी भी पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा निगेटिव थिंकिंग से स्टार्ट होती है। अगर आप अपनी निगेटिव थिंकिंग के ऊपर किसी भी तरीके का कंट्रोल कर लेते हो तो आपका जो माइंड है वो पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ शिफ्ट होने वाला है। निगेटिव थिंकिंग को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ आपको क्या करना, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना, अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है, आपको सेल्फ रिलायबल बनना है, तो ही आप उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि आप अपनी निगेटिव थिंकिंग को छोड़कर पॉजिटिव थिंकिंग की ओर मूव ऑन करोगे, क्योंकि ये अपनी जिंदगी जीने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका आपको मिला हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आता है, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो, और इसी तरीके के कंटेंट के लिए इस चैनल पर बने रहिए। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।